अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 का कंप्लीट ओवरव्यू किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि बेसिकली कम्प्लीटली बेस्ड थे फंक्शन पे। ठीक है, तो बेसिकली जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने हैं वो टोटली डिफरेंट है 2.6 से, क्योंकि 2.7 के चैप्टर के अंदर हम जो है वो बेसिकली हमने जो प्रॉपर्टी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, क्लाइजर प्रॉपर्टी, उन्हीं को फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा 2-3 चीजें नई आएंगी जिनके रिस्पेक्ट से उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बात की जाए तो इस चैप्टर में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे उनमें आ जाते हैं बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, क्लाइजर प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लोज्ड है कि नहीं, उसके बाद कमोडेटिव प्रॉपर्टी, फिर इनवर्स, फिर आइडेंटिटी। तो बेसिकली ये 5 प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे रेजिड्यू के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर मॉडुलस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जिनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं तो उनको रिवाइज कर लेंगे। तो अगर बेसिकली क्लाइजर प्रॉपर्टी क्या होगी, अब जितनी भी प्रॉपर्टी हम डील करेंगे उनको हम डील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन की रिस्पेक्ट से डील करेंगे और मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट से डील करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है इनमें प्रॉपर्टी को डील कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी में बेसिकली जो है पहले इनको रिडक्शन करा लेते हैं। जब एक्सरसाइज को डील करेंगे 2.7 की बुक की तरफ आएंगे तो वहां पर हम कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। अगर बात कीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, होती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाती है और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन को डील कर लेते हैं। तो हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जो कि हो जाएगा बेसिकली ए बी C इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके अलावा फर्दर हम क्या डिसाइड करेंगे, तो फर्दर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो आ जाएगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लाइजर प्रॉपर्टी, क्लाइजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास अगर कोई भी सेट है, लेट्स सपोज मेरे पास सेट है 1, 2, 3 कंटिन्यू नेचुरल नंबर का, अगर इसको मल्टीप्लाई करें और वही सेट बन रहा हो, मतलब इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो उसी के अंदर से बिलोंग करो, लेट्स सपोज मैं इसको यूं कह देता हूँ, तो वो आंसर जो है वो इसी से बिलोंग करो, तो हम बोलते हैं इट्स क्लाइजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लाइजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो जाएगा कि इसी सेट के अंदर से हम दो वैल्यू को ऐड करें और आंसर इसी सेट के अंदर से आ रहा, तो हम बोलेंगे वो क्लाइजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो देखा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। यही चीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। उसके बाद फर्दर डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं इनवर्स के बारे में, ठीक है। तुम्हारे पास इनवर्स दो हो जाएंगे, एक एडिटिव इनवर्स और एक, सॉरी पहले आइडेंटिटी को डिस्कस कर लेते फिर इनवर्स को। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सेट है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है 2, ठीक है। आइडेंटिटी मीन कि ये अपनी वैल्यू को होल्ड करे, तो इसको ऐसी कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 है, बेसिकली इसकी आइडेंटिटी होगी 1, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन की ज्यादातर जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1, यानी कि मल्टीप्लाई उसको ऐसी किस चीज़ से करें कि आंसर सेम आए, तो उसको बोलेंगे ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो ज्यादातर होती है वो क्या होती है, 1। इस तरह हम बात कर लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की,
नहीं, एडिशन में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर में कोई चेंजिंग ना आए। लेट्स सपोज मेरे पास 100 हो, 100 में ऐसी क्यों चीज़ ऐड करें कि आंसर 100 ही है, तो उसमें बेसिकली क्या ऐड करते हैं, जीरो। तो एडिशन की रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, और मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी होती है वो है वन। उसके बाद जो लास्ट में है वो इनवर्स, यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन क्या कि ऐसी कौन सी चीज उसे मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास क्या आ जाए, जीरो। मल्टीप्लाई मतलब के आइडेंटिटी केस पे वही आंसर, और इनवर्स केस पे आंसर जीरो आना चाहिए। तो बेसिकली इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, लेट्स सपोज मेरे पास टू है, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वन बाई टू, यानी जो चीज लिखी होगी उसी को उसे डिवाइड करेंगे तो ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, जब उसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा, वन आ रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव केस में आंसर क्या आ रहा होगा, वन। उसके बाद हम बात कर लें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। यानी मेरे पास 100 है, इसमें ऐसी क्या चीज ऐड या सेपरेट करूंगा आंसर जीरो आ जाए, तो मैं माइनस 100 को ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है, क्लोज रिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी कौन सी दो चीजों को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें उसी सेट के अंदर से, तो आंसर उसी सेट के अंदर से आ रहा था, हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने बात की है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मीन के मल्टीप्लाई किसी ऐसी चीज से करें कि वही आंसर है, तो ज्यादातर चीजों की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। उसके बाद हमने बात की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी ज्यादातर चीजों की होती है, जीरो। उसके बाद हमने बात की मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब कि ऐसी किस चीज से उसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए, तो ज्यादातर जो चीजों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है कि जो चीज साइड में लिखी होती है उसी का इनवर्स ले लें, उसका उलट कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स में ऐसी क्या चीज ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, इसको डिस्कस करने के बाद हमने चारों की पांचों चीजें डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमारे पास रह गया रेजिड्यू। ठीक है, तो बेसिकली रेजिड्यू को डिस्कस करें तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। तो बेसिकली रेजिड्यू क्या होता है कि मेरे पास लेट्स सपोज है 5/3। ठीक है, अब मैं 3 की रिस्पेक्ट से रेजिड्यू ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे पहले एक साइड लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर मैं जो है बेसिकली रेजिड्यू लूं विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस लूं, मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू 3, जब 3 की रिस्पेक्ट से मॉडुलस लूंगा तो इस पे 3 का टेबल नहीं जाता तो यस चीज आ जाएगा, इस पे भी 3 का टेबल नहीं जाता तो यस चीज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका टेबल 3 पे जाता है तो बेसिकली डिवाइड कर लेंगे, 0 पर जाएगा, उसकी जगह 0 लिख दूंगा, फिर 4 पे कर लूंगा तो उसकी मॉडुलस 1 आ जाएगा, रेजिड्यू 1 आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, उसके बाद मैं 5 की बात कर लूंगा, 3 1 3 2 आ जाएगा यहाँ पे, मैं 6 की बात कर लूंगा, 3 2 6 यार है 0, फिर यहाँ पे 0 लिख दूंगा, फिर मैं 7 की बात करूंगा तो 1 आ जाएगा, 8 की बात करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि रेजिड्यू क्या होता है बेसिकली, कि जब उसकी रिस्पेक्ट किसी चीज़ की रिस्पेक्ट से मॉडुलस ये जा रहा हो और उसका आंसर जो रिमाइंडर बच रहा होता है, जो रिमाइंडर बच रहा होता है बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली बुक की तरफ। तो बेसिकली 2.6 यूनिट खत्म होती है, उसके बाद जो हमारे पास पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी मीन क्या होता है, तो बेसिकली बात कीजिए बाइनरी की, तो बाइनरी ने हमने जो पढ़ी है बेसिकली कंप्यूटर में और फिजिक्स में, तो बाइनरी का मतलब होता है 2, जिसको हम बोलते हैं 0 एंड 1। तो बाइनरी मीन ऐसा कोई भी सेट जिसमें 2 वैल्यू हो उसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसमें लिखा हुआ यूनरी। यूनरी मीन 1, यानी ऐसा कोई भी सेट जिसमें एक वैल्यू उसको बोलेंगे ये यूनरी है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन विच परफॉर्म ऑन अ सिंगल नंबर, जो सिंगल नंबर पर परफॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे यूनरी है, जो 2 नंबर पे परफॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे बाइनरी है, और जो 3 पे परफॉर्म हो रहा है बोलते हैं टर्शियरी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पेज पे। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लीकेशन आर ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करें ऑफ नेचुरल नंबर, एंड इज क्लोज, तो चेक करना है एंड क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो हमने चेक करना है कि क्या नेचुरल नंबर क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लोज कैसे है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लूंगा 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कंटिन्यू है, हमें फिक्स नहीं दिए हुए। तो अगर मैं लेट्स सपोज कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा, 100 प्लस 100 कर दूं, आंसर क्या आ रहा होगा 200।
तो वही नेचुरल नंबर के अंदर से आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे इट इज क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेसिकली एडिशन करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि हम नेचुरल नंबर की एडिशन करें, इस सेट के अंदर से कोई दो वैल्यू लेनी है, ये ना हो कि आप इंटीजर ले लें, माइनस वाले वैल्यू ले लें जो इसके अंदर है नहीं। तो जब किसी चीज को क्लोज चेक करें तो उसी सेट के अंदर से वैल्यू ऐड कर, मतलब कि एडिशन की सेट चेक करें तो उन्हीं सेट के अंदर दो वैल्यू को उठा के ऐड करें, ऐसी कोई भी दो वैल्यू। तो अगर हर वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलते हैं क्लोज है, अगर किसी एक वैल्यू पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ क्लोज या क्लाइजर प्रॉपर्टी। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेसिकली 10,000 आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये इट इज क्लोज रिस्पेक्ट टू, मतलब कि नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट से क्लोज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल क्वांटिफायर डाला हुआ है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यू। तो लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, मतलब हर, मतलब कि ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर, यानी जो भी वैल्यू हम उठा के दो सेट ले लें उनमें से जो वैल्यू उठा के हम ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या होगा क्लोज करेगा। एंड ए बी बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर, तो ए और बी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। फिर अब हमने मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड देना, तो उसमें भी हो जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर ए कॉमा बी क्रॉस एन ए स्टेरिक बी एंड सॉरी बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आई होप सो अगर समझ आ गया होगा। फिर हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू में कि ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑन इवन, ई स्टैंड फॉर इवन सेट ऑफ ऑल इवन नंबर नेचुरल नंबर, इट्स वर्थिंग नॉथिंग दैट एडिशन एंड नॉट ऑपरेशन ऑन सेट ऑल नंबर। तो बेसिकली एग्जाम्पल की इसको रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि हमारे पास इवन और ऑड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर इवन और ऑड को हम ऐड करेंगे, देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टेबल ड्रॉ किया, तो टेबल कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे हम ड्रॉ करके बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया, फिर इवन ऑड, इवन ऑड, ठीक है। अब इवन ऑड, आपने इवन की जब बात करें ना तो इवन के कोई भी दो नंबर ले लें, 2, 4, 6 ले लो, ठीक है। ऑड के 1, 3, 5 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियरिफाई हो, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि इवन, अब रिस्पेक्ट टू एडिशन करें, इवन प्लस इवन यानी 4+2 या 6+4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वो भी एक क्या है इवन नंबर। इवन प्लस इवन का रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इवन मतलब कि इवन में ऐड कर दिया ऑड नंबर, यानी इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड नंबर, कैसे, कोई भी दो सेट ले लें, 4+3, 6+5, 2+1, आंसर क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद फर्दर चलते हैं कि ऑड प्लस इवन, वो भी क्या होगा, ऑड प्लस इवन भी क्या होगा, 1+2 ऑड आ रहा होगा, यानी ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। उसके बाद ऑड प्लस ऑड, दो नंबर ले लिए ऑड, 1, 3, 5, 7, तो ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। तो आई होप सो कि ये टेबल आपको समझ आ गया होगा, मतलब टेबल में आपको लिखा होगा कि ई और जीरो को फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक टेबल ड्रा किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सेट, जिसको हम आपको ड्रा करके बता देंगे, सेट 1-1 iota -iota वेयर आई इज अंडर रूट -1 इज क्लोज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बट नॉट रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस कैन बी वेरीफाई फ्रॉम द एडजॉइनिंग टेबल। इसको इस टेबल से वेरीफाई करना है, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमें बताना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की क्या हो जाएगी -1, उसके रिस्पेक्ट से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो कैसे वेरीफाई कर लेंगे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये चीज हमें एंट्री गिवन है 1-1 iota -1 iota, तो इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया, पहले चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि एडिशन की से ये रॉन्ग है, मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाओ कि क्लोज है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि हमने लिख लिया बेसिकली, तो 1 × 1 आ जाएगा, 1 × -1 -1 1 × iota iota 1 × -iota, तो -iota आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 × 1, ठीक है, -1 × 1, ये ठीक है, फिर ये आ गया। अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कन्फ्यूजन आती है iota × 1 iota iota × -1 -iota। अब iota × iota बेसिकली क्या बन जाएगा, मैं इसको इसकी रिस्पेक्ट से करूँ तो ये आएगा, तो iota × iota iota² iota² = -1। अब iota से कोई भी वैल्यू बड़ी आ जाए, 5 आ जाए 6 आ जाए, तो उसको सिंपल iota में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर iota × -iota,
तो आ जाएगा माइनस आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, और माइनस वन माइनस वन बिकम प्लस वन, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो माइनस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा इंटू माइनस वन माइनस आयोटा, फिर आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्केयर हो जाएगा, तो माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन बिकम प्लस वन, आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्केयर, तो माइनस वन आ रहा है। तो बेसिकली इसका देखा जाए तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर इसी सेट के अंदर से आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो वन मतलब कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इससे बड़ी हो, इस सेट से बाहर निकल गई हो, ठीक है। अगर इस सेट मतलब कि जो इसका आंसर आ रही है जो ब्लू से लिखा हुआ है, अगर इस सेट से कोई भी वैल्यू बाहर निकल जाती, लेट्स सपोज हमारे पास आता माइनस टू आ जाता, आयोटा की पावर सिक्स सेवन आ जाती, तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है, इट्स क्लोज नहीं होता। अब एडिशन इस सेट से क्लोज क्यों नहीं है, कि जब हम ऐड करेंगे आयोटा प्लस आयोटा तो हो जाएगा टू आयोटा, जो कि सेट के अंदर से नहीं है, तो ये नॉट क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब बेसिकली बात की जाए तो हमारे पास एक और एग्जांपल है कि वन ओमेगा इनटू मेगा स्क्वायर को चेक करता है। तो बेसिकली इसको हम बगैर देखे के चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन वन, तो जहां पे ओमेगा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, अगर ओमेगा की पावर फाइव आ जाएगी तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू मेगा क्यूब, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट करके ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो जब हम मुश्किल को देख रहे थे तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर आ जाएगी, जिसको करेंगे ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब, जिससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व किया तो ये इसी सेट के अंदर से वैल्यू आ रही है, अगर इस सेट के अंदर से आ रही होगी तो हम बोलेंगे इट्स क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन भी इस सेट से क्लोज क्यों नहीं है, कि जब हम करेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, और इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे इट्स नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस का। मॉडुलस में कैसे है, बेसिकली हमारे पास मॉडुलस में मैंने आपको बताया था कि जैसे मॉडुलस ले रहे हैं तो मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है फाइव सिक्स सेवन का मॉडुलस लेना है विद रिस्पेक्ट टू थ्री, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं इसका मॉडुलस है, थ्री वन ना थ्री, थ्री वन ना थ्री, टू बच गया, तो इसका मॉडुलस क्या आ रहा है टू, जो रिमाइंडर होता है उसको बोलते हैं, जब सिक्स पे ऐड करेंगे तो जीरो, सेवन रिस्पेक्ट से वन, तो ये होता है बेसिकली मॉडुलस, जिसको हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीटली देखेंगे। सॉरी इसको बोलते हैं रेजिड्यू, जिसकी रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं मॉडुलस होता है। लेट्स सपोज मेरे पास है कि इसको मैं थ्री फाइव वन लिखा तो आंसर मेरा आ रहा था टू, ठीक है। अब जब टू आंसर आ रहा है, ये टू बेसिकली क्या रेजिड्यू, और ये थ्री है क्या बेसिकली इसका मॉडुलस है, जिसको हम डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है गिवन टेबल जो एग्जांपल नंबर सिक्स है वो सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यू क्लॉस मॉडुलस फाइव, तो यहां पे मेंशन है कि इसको सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस फाइव, यानी डिवाइजर क्या इसका फाइव है, तो देख लेते हैं कैसे, ठीक है। हमारे पास जो नंबर है वो फाइव से बड़ा नहीं आना चाहिए, तो जीरो वन टू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते थे विद रिस्पेक्ट टू, तो बेसिकली सॉल्व करते हैं रिस्पेक्ट टू मॉडुलस फाइव, यानी इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो फाइव से ग्रेटर नहीं आनी चाहिए, या फाइव के इक्वल नहीं आनी चाहिए, फाइव से कम आनी चाहिए। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लेंगे तो हम देख लेते हैं कि यहां तक तो बेसिकली ठीक है, ठीक है। अब टू प्लस टू फोर आ रहा है, जो सेट के अंदर से ही आ रहा है, लेकिन जो ही टू प्लस थ्री करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा फाइव, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर कितना लिखा हुआ है जीरो, कैसे, अब फाइव आ गया तो फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, तो इसका मॉडुलस कितना आ रहा है जीरो, जीरो लिख दिया। अब टू प्लस फोर करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, उसका मॉडुलस वन आ गया, तो आई होप होगा समझ आ गया होगा। हम लास्ट में को देख लेते हैं, फोर मल्टीप्लाई फोर कितना, सॉरी फोर प्लस फोर एट हो जाएगा, एट का मॉडुलस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइव, फाइव वन डाय फाइव, थ्री बच गया, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा थ्री, तो यहाँ पे हमने थ्री को चिपका दिया, ठीक है। तो आई होप सो क्या कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एग्जांपल नंबर जो है वो एट में जो है मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल तक होगा, तो यहाँ तक सिंपल है क्योंकि जीरो किधर क्या, जीरो वन टू थ्री, थ्री से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो उसका एकदम मॉडुलस ले लेंगे, यानी फोर के इक्वल भी नहीं चाहिए अगर फोर थ्री से बड़ी होगी है। अब इस पर मॉडुलस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फोर का टेबल इस पर भी नहीं आता, 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 क्योंकि छोटी है,
जो ही उसके इक्वल आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, तो वो मॉडुलस या रेजिड्यू लेना शुरू हो करेगा। तो कैसे, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, जो कि सेट के अंदर से नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है 0, क्योंकि 4 आ गया था और इसका मॉडुलस था विद रिस्पेक्ट टू 4, तो 4 1 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर इज आवर रेजिड्यू, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया था, तो 4 1 4 2 8, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यहाँ पे हमने 1 को चिपका दिया। तो आई होप्स हो गया आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, तो बेसिकली इसका मॉडुलस लिए जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 8, इसमें से कोई भी एक एंट्री को उठा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि 7 तक नजर आए टेबल, तो देखा जाए तो अब इसका मॉडुलस मुश्किल कहाँ होगा। तो बात कीजिए कि हमारे पास इन पे मतलब कि 0 से लेकर 7 तक मॉडुलस क्यों नहीं, क्योंकि उनमें टेबल नहीं जाता, क्योंकि जो इसका मॉडुलस लेना है वो 8 है, तो 8 से जो नीचे वैल्यू उनका मॉडुलस नहीं जाएगा, जब 8 के इक्वल आ जाएगी या उससे ऊपर आ जाएगी तो उसका मॉडुलस ले लेंगे, और जो उसका आंसर आएगा रिमाइंडर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ये इसका रेजिड्यू है, वो उसकी जगह चिपका देंगे। तो जैसे लिखा हुआ है 7 × 7 कितना आ जाता है 49। ठीक है, तो यहाँ पे तो 49 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 49 लिखा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 49 नहीं लिखा क्योंकि इसका मॉडुलस ले लिया गया विद रिस्पेक्ट टू 8, तो 8 6 × 48 1 बच गया, तो इसका रेजिड्यू क्या बच गया 1, तो 1 को हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो बेसिकली पूरे टेबल को इस तरह करना है, किसी और को देख लेते हैं, 6 × 5 कर लेते हैं तो कितना आता है 30, तो यहाँ पे आना चाहिए बेसिकली 30, यहाँ पे 30 नहीं लिखा क्यों, क्योंकि 30 आ गया, 8 3 × 24 6 रिमाइंडर आ गया, तो उसकी जगह हमने 6 को लिख लिया, सॉरी यहाँ पे 6 को लिख लिया। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि दो सेट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगती है, तो पहली प्रॉपर्टी लगती है कमोडिटी प्रॉपर्टी, तो इसको पढ़ने का तरीका बता दूं कि ए मल्टीप्लाई विद बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया, फिर सच दैट, सॉरी इसका इस यूनिवर्सल क्वान्टिफायर का मतलब होता है कि फॉर आर वैल्यू, मतलब इसका मतलब होता है फॉर आर वैल्यू, लिख लेता हूं फॉर ऑल वैल्यू ए एंड बी बिलोंग टू अ एस, एस स्टैंड फॉर नॉन एम्प्टी सेट, यानी ऐसा कोई भी सेट जो खाली ना हो। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो उसमें भी वही आ जाएगा, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि इस मतलब कि कोई भी एलिमेंट है उसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि वो अपनी शिनाख्त को बरकरार रखे, यानी जैसे मैं अगर मल्टीप्लाई की बात करूँ तो मेरे पास 100 है, तो उसको ही मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए, आंसर 100 आनी चाहिए, तो उसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 100 आ जाएगा, तो ज्यादातर जो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1, तो बेसिकली ए को जब ई से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ रहा है ई आ रहा है। ठीक है, तो अब ये ए भी क्या है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या है कि जब दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1, जब इसको हमने सेवन लेके तो आंसर 1 आ रहा है, ई मीन 1। ठीक है, यहाँ पे ई मीन क्या था 1, तो जहाँ पे ई लिखा रहा है उसका मतलब है 1, यहाँ पे ई है इसका मतलब है 1। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं, ये सिंबल का आपको बताता हूँ, ये सिंबल का मतलब है फॉर ओनली 1 या देर इज एग्जिस्टेंस, यानी किसी एक वैल्यू पे आ रहा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, इसके लिए सिंबल होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि लेट 1 2 3 से लेकर 20 तक नंबर है, फाइंड 20 नेचुरल नंबर, अब ऑर्डिनरी एडिशन मतलब कि आप इसको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज है कि नहीं, तो हमने क्लोज की क्या बात की थी कि उसी सेट के अंदर से कोई दो वैल्यू ले लें, तो अगर किसी एक वैल्यू पे आंसर उस सेट के अंदर से नहीं आ रहा होता, मतलब क्या कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि हम हमारे पास एक सेट है, लेट्स सपोज ये सेट है, ठीक है, आप 1 से लेके 20 तक कोई भी दो वैल्यू को ऐड करो। ठीक है, 1 से लेके 20 तक कोई भी दो वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करो, कोई भी दो वैल्यू को ऐड करो, और ऐड करने के बाद आंसर अगर इसी सेट के अंदर से आ जाए तो हम बोलेंगे क्लोज्ड है, लेकिन अगर किसी एक जगह पे भी है ना आंसर जो है सेट के अंदर से ना आ रहा तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ क्लोज। मैं बात कर लूँ कि 20 + 20 कर लेता हूँ, इसी सेट के अंदर से वैल्यू है तो आंसर तो 40 हो जाएगा जो इस सेट के अंदर से नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा इट्स नॉट क्लोज रिस्पेक्ट टू
एडिशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 25 मिनट लेके, तो ये क्लोज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एक्सरसाइज 2.7 आ गई है, तो एक्सरसाइज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 को डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।